हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ होली के लिए चावल की चकरी, या चावल के पापड़, या चिप्स, जो भी मर्जी आप कह सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास है चावल का आटा। मैंने इसको घर में ही बनाया, आप देख सकते हैं। मिक्सी में मैंने यहाँ पर आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, लगभग एक कटोरी, एक छोटी कटोरी के बराबर मैंने चावल लिए। उनको महीन महीन एकदम पीस लिया है। देखिए, आप बाहर से भी ले सकते हैं। और हमें इसके लिए चाहिए होगा पानी। यहाँ मैंने रख दिया है पानी, करीब 1 लीटर पानी रख दिया है। पानी उबलने लगा है, पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, बाद में हम पकाकर गाढ़ा कर लेंगे। और मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, रेड कलर। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, या बिना कलर के भी बना सकते हैं। और मैंने इनको बनाने के लिए, चक्री बनाने के लिए, इस तरह से एक खाली बॉटल लेकर उसमें छेद कर लिया है। आप एक रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल में छेद कर लीजिए बीच में, उससे बना लीजिए। तो ये पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। आप बिना नमक के भी बना सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। अब हमने करना क्या है, इसको एक स्पून की हेल्प से इसको हम मिक्स करेंगे पानी के साथ। अभी ठंडे पानी के साथ में इसको हम मिक्स करेंगे, जिससे कि अगर सूखा डालने से, दोस्तों मैंने एक बार सूखा बनाया था तो उससे गांठें बहुत बनती हैं, क्योंकि उतना ये चावल का आटा बहुत जल्दी से पकने लगता है और सूखने लगता है। इसलिए हम पहले इसका घोल बनाएंगे, फिर इसमें हम धीरे से डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से पतला घोल आपको इस तरह का बना लेना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। इससे डालने में हमको, जब हम इसको डालेंगे गर्म पानी के अंदर डायरेक्ट, तो हमें बहुत आसानी रहेगी। चलिए, अब हम ले लेते हैं एक बड़ा चम्मच, जिससे कि उससे हम चलाएंगे। बनाना स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, ये आपको ये चाहिए होगी, ये प्लास्टिक की एक पॉलीथीन है, वाइट कलर की, ट्रांसपेरेंट। आप जो है, ट्रांसपेरेंट अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें तेल लगा लीजिए। मैंने इस साइड पे, इस पर अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है, जिससे कि हमारी चकरी चिपके नहीं। इसको हम धूप में ले जाकर, इसको बिछा कर उसमें अपनी चकरी डालेंगे। गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए। अब देखिए, हम इसमें धीरे धीरे से इस तरह से अपना इसको डालेंगे, और बिल्कुल आप तुरंत चलाने लग जाइए, अदरवाइज इसमें बहुत लम्स बन जाएंगे। ये देखिए, अब हम तेज़ कर लेते हैं फ्लेम। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने चलाने में ज़रा सा भी कंजूसी कर दी तो ये तुरंत नीचे लग जाएगा, गांठें बन जाएंगी और आपकी चक्री छेद से निकलेंगी ही नहीं। देखिए, मैं इस तरह से इसको गाढ़ा होने तक चलाती हूँ। हमें थोड़ा पतला ही रखना है, नहीं तो हमारी चक्री गिरेंगी नहीं। रुमाल से या बॉटल से टाइट हो जाएगा तो बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। हल्का सा हमें इसको बहने वाली कंसिस्टेंसी में रखना है। चलिए, इसको हम फ्लेम हाई करके चावल, जिससे कि हमारा अच्छे से पक जाए, अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम इसमें कलर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है बिल्कुल, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। कुछ इस तरह का ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। देखिए, हमने घोल कर डाला था, इसलिए इसमें कितना अच्छा सा एक कंसिस्टेंसी है, फ्लो है। ये बिल्कुल भी लम्स वाला नहीं, ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा हो गया है। और इसमें हम अच्छे से पका भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी कम कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये तुरंत ही गाढ़ा हो जाएगा और चावल भी अच्छे से पक नहीं पाएगा और गांठें भी बन जाएंगी। इसको हम थोड़ा सा और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, चला चला कर इसी तरह से। फिर हम इसमें कलर डालते हैं। ये कुछ इस तरह का हो गया है, ये देखिए कितना टाइट हो गया है, और हमने कितना सारा पानी लिया था और चावल हमारे कितने थोड़े थे। अब बारी आती है इसमें कलर डालने की, फूड कलर। इसको अच्छे से मिला लीजिए जल्दी से, इस तरह से चलाते रहना है आपको, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है चम्मच को खाली। ये देखिए, इसको अब हम बस 20 सेकंड के लिए और चलाएंगे, बस बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि तभी आप बना पाएंगे। इतने गर्म में तो बनाना पॉसिबल है नहीं। अगर ज़्यादा टाइट पे अगर आप इसको बंद करेंगे तो फिर बनाने के टाइम तक ये इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा कि आप बना ही नहीं पाएंगे। अब ये बंद करने वाली कंसिस्टेंसी में है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। मैंने गैस को बंद कर दिया है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स, मैंने एक पॉलीथीन में इसको इस तरह से भर लिया है। अगर आपके पास बोतल हो तो कोई बड़े मुंह वाली बोतल का इस्तेमाल करें, या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। अब मैं इसको यहाँ से काट लूँगी। पहले हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे। अब हम इसको, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ करके कि किस तरह से बनेंगी। आई होप आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हम बनाएंगे, क्योंकि ये तलने पर बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये। आप किसी भी शेप की अपनी मनपसंद बना सकते हैं, इस तरह से एक पॉलीथीन में भरकर।
चलिए हम इसी तरह से अपनी सारी चक्री बना लेते हैं और धूप में रखते हैं चल के। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये चावल की जो चक्री बनाई थी मैंने, ये सूख गई है बिल्कुल। देखिए कुछ इस तरह की हो जाएंगी। और हमें चाहिए यहाँ पर कढ़ाई में तेल, और इस तरह से आप एक छलनी ले लीजिए और एक बास्केट ले लीजिए, उसमें पेपर डाल लीजिए या तो आप किचन पेपर डाल लीजिए, तो उससे क्या होगा इसका सारा तेल अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम इसको तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर ही आप इनको डालें और इनको हिलाते रहें, फ्लेम को मीडियम रखें। नॉर्मल चिप्स से इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस तरह से पलट पलट कर भून लें आप इनको। तेल को अच्छे से निकालते हुए ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार है ये। इसी तरह से हम अपने सारी चक्रियाँ तल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको तल लिया है। अब ये बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको घर पर ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।